देखिए जो 75% वाला जो मामला है जो 400 का फुल मार्क्स है उसमें जो एग्जाम गया था 200 नंबर लाता है 400 और एक 320 नंबर लाता है 320 नंबर को 75% में कन्वर्ट करके लेकिन वही जो वाला 200 नंबर लगेगा उसका नंबर हो जाएगा 62.85। ये सरकार का एक नियम है कि इनडायरेक्टली नंबर 25 नंबर वेटेज दिया जाएगा जो एक्सपीरियंस वाले हैं संविदा पर हैं उनको, और जो फ्रेशर है उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। सर हम लोग बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन करेंगे इसके नियम के खिलाफ, और ये नियम वापस होना चाहिए हर हाल में। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से प्रत्येक साल 5-6 हज़ार लोग इंजीनियरिंग का डिग्री लेते हैं, और BPSC सहायक अभियंता में जो विज्ञापन निकलता है मात्र 200 से 300 पद, और संविदा पे जो कार्यरत है बिहार सरकार में उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आप इसे अनुमान लगाइए कि जो लड़का तैयारी कर रहा है 5 साल से और जो लड़के डिग्री ले रहे हैं बिहार सरकार इंजीनियरिंग कॉलेज से, उसका सलेक्शन हो पाएगा? बिल्कुल कभी नहीं हो पाएगा नियम लागू होने पर। तो ये सरकार को इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं 38 जिलों में, इसमें ताला लगा देना चाहिए ताकि ये संविदा वालों को या तो बहाल उसको कंटेंट पे उसको रेगुलर कर दीजिए, नहीं तो हम लोग का जो नियम है वो नियम जो पहले से है सिलेक्शन प्रक्रिया का रहने दीजिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए।